हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये समय है शाम का, तो मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ और मेहमानों का आना जाना बराबर हो रहा है कि मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अभी भी मेहमान आए हुए हैं, तो बस मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। शाम से ही शाम ही हुई है, रात भी नहीं हुई है अभी। तो यहाँ एक गैस पर तो रखा हुआ है मैंने दूध गर्म होने के लिए, तो दूध जब मैं गर्म करती हूँ तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं वहीं आसपास ही रहूँ दूध के, ताकि वो निकले ना कई बार, वरना क्या होता है कि अगर आप कुछ और काम करने लग जाओ तो दूध निकल जाता है। तो इसलिए मैं काम ऐसे करती हूँ कि वहीं दूध के आसपास भी रहूँ, काम भी होते रहें और दूध का भी ध्यान रखा जाए। और यहाँ कढ़ाई में रख दी है मैंने दाल, तो दाल में थोड़ी सी अगर गर्म पानी में पका देते हैं तो थोड़े ये झाग जैसे निकल जाते हैं, जो कि ये पता नहीं दवाई वगैरह कुछ लगी हुई होती है, इसमें पाउडर वगैरह लगाया हुआ जाता है, पॉलिश वगैरह जो होती है ये, तो ये निकल जाता है तो सही रहता है। ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वाइट वाइट ऐसे लग रहा है, जैसे दूध जैसे झाग आ रहे हैं इसमें। तो इसको गर्म करके थोड़ा सा पका के और फिर ये सारा पानी उतार देती हूँ और फिर इसको धुल देती हूँ दोबारा से सही से, तब मैं बनाती हूँ। और ये थोड़ी सी पक भी जाती है इसमें, फिर बाद में ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ मैं साथ के साथ आटा भी मल दे रही हूँ और थोड़े से बनाऊँगी चावल। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं लंच तैयार कर रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि बाद में जो है लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो टाइम से ही खाना खिलाना शुरू कर देती हूँ तो ठीक रहता है, सब खा लेते हैं आराम से और बाकी मेरे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैं आटा मल के रख दिया है मैंने, और दाल भी भिगो के रख दी है, चावल भिगो के रख दिए हैं और दूध हो गया गर्म। तो इतने में ही देख रहे होंगे आप बर्तन के ढेर लगे हुए हैं, बर्तनों के, ये शाम के बर्तन हैं, जो चाय नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं और दोपहर के खाने के बर्तन हैं। तो टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, बहुत मतलब मुश्किल से टाइम मिल पा रहा है। क्योंकि देखो, अगर कोई आता है तो उनके पास बैठना भी होता है, थोड़ा बातचीत भी करनी होती है और काम तो है ही वरना सारा, तो बस इसी चक्कर में सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और बाकी हस्बैंड का भी ध्यान रखना, उनकी दवाइयाँ वगैरह देनी, तो उसका भी ध्यान देना होता है, उन सब चीज़ों का भी। तो बस मैं खाना बनाने से पहले बर्तन साफ़ कर लूँगी सारे, क्योंकि जब खाना खाएं ताकि सब, तो बर्तनों का मतलब ज़रूरत भी तो होती है जब एक साथ इतने सारे लोगों को, मतलब ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जाता है तो दिक्कत ना हो। मतलब अगर 3-4 लोगों को भी एक साथ खिलाया जाता है तो उस हिसाब से फिर बर्तन होने चाहिए। और तो बस मैं ये साफ़ करके रख दूँगी ताकि रात को जब मैं डिनर के बर्तन साफ़ करूँ तो तब भी ज़्यादा इकट्ठे ना हो जाएँ, ढेर लग जाता है वरना। तो बस मैं इसमें कप वगैरह भी हैं, तो कप और गिलास जो होते हैं वो मैं बर्तनों में नहीं रखती हूँ, वो बाद में फिर टूट जाते हैं, तो वो मैं एक साइड रख लेती हूँ और पहले उन्हीं को साफ़ करती हूँ, कांच के जो बर्तन होते हैं। और ये बोतलें वगैरह हैं पानी की, तो जब बोतल खाली हो जाती है तो मैं भर के दोबारा मतलब साफ़ करके तभी भरती हूँ उसको, ऐसे नहीं मतलब ऐसे मुँह लगा के तो खैर कोई नहीं पीता है बोतल से, लेकिन तब भी साफ़ करके भरती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है कि बस पूछो नहीं। और किचन में तो हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में काम करते हुए। और बस बाबू छोटा के भी स्कूल खुल चुके हैं, तो रात को लेट भी हो जाता है सोने में, और सुबह वही 5 बजे से हो जाता है मेरा सारे काम, 5 बजे मतलब उठ के लगना पड़ता है फिर बच्चों के साथ में, क्योंकि पहले तो बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तब जाके बाकी काम शुरू होते हैं। तो बस मैं यहाँ जल्दी से बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से अब हस्बैंड मेरे पहले से तो फ़ायदा है, लेकिन अभी देखो कोई छोटी मोटी चोट तो है नहीं जो 2-4 दिनों में ही ठीक हो जाए, वो हड्डी की चोट है जो मतलब पसलियाँ टूट गई हैं, तो वो तो टाइम लगेगा। डॉक्टर ने जैसे बताया, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 1 से 1.5 महीना जुड़ने में लगेगा, तो पेन मतलब इतना ज़्यादा रहता है कि अभी उठाना बिठाना सब मतलब करना होता है, जैसे खाना वगैरह के लिए भी बिठाना उठाना, वैसे वह ज़्यादातर रेस्ट पे ही हैं, मतलब रेस्ट ही करते हैं ज़्यादातर, और लेकिन थोड़ी देर में बिठा देती हूँ और थोड़ी देर घुमा देती हूँ, क्योंकि अगर सारा दिन लेटे रहेंगे तो लेटे लेटे भी परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन पहले से मतलब थोड़ा पेन में, मतलब थोड़ा सा पेन में आराम है बस, और बाकी टैबलेट मतलब दवाइयाँ वगैरह तो सारी चली रही हैं, कैल्शियम वगैरह की, पेन वगैरह की सब चल रही हैं, तो इसलिए भी थोड़ा रहता है। लेकिन वो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आराम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे पसलियाँ जुड़ जाएंगी वैसे आराम मिल जाएगा। और कई बार मतलब दिखा के भी ला चुकी हूँ मैं डॉक्टर को, जैसे भी थोड़ी सी भी दिक्कत बनती है तो मैं ले जाती हूँ दिखाने के लिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं, तो क्योंकि परेशानी है अगर तो डॉक्टर से मतलब दिखा लेती हूँ तो थोड़ा मुझे भी तसल्ली हो जाती है जब डॉक्टर समझा देते हैं, बता देते हैं कि क्यों है ये परेशानी, कभी जैसे कहीं पेन हो रहा है। और कई जगह तो मतलब ऐसी चोट लगी थी जो घुम चोट होती है, वो बाद में मतलब उनको पता चल रहा है, अब कभी बोलते हैं हाथ में दर्द है, कभी बोलते हैं कि मतलब
पैर में दर्द है कई जगह, तो मतलब ऐसी थी जो बाद में, मतलब जो बड़ी चोट है वो तो उस समय पता चल गई, और जो छोटी मोटी चोटें हैं उनका बाद में एहसास हो रहा है कि कहाँ कहाँ और भी चोट लगी थी। तो हस्बैंड का भी पूरा भी ये है, और फिर देखो मुझे बाहर का भी काम है, बाहर से सामान वगैरह लाना है, और जैसे मेहमान आते हैं तो उनको भी मुझे कई बार लेने जाना होता है, कई बार छोड़ने भी जाना होता है बाहर, और जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वैसे वैसे आते जा रहे हैं सब लोग देखने के लिए। तो और ननद भी आई हुई है मेरी और जेठ भी आए हुए हैं, तो बस ऐसे ही हो रहा है कि जैसे जैसे सबको पता चल रहा है, बल्कि मैंने शुरू में तो किसी को भी नहीं बताया था घर पे भी, मतलब अपने फैमिली में किसी को नहीं बताया था 2-3 दिनों तक, तो सब लोग बहुत गुस्सा थे इस बात से कि मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन बस इसीलिए नहीं बताया था। पहले तो हम लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, मतलब हस्बैंड इतने परेशान थे, तो 2-3 दिन तो बिल्कुल, मतलब 2-3 दिन तो दिमाग ने काम ही नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दिमाग हो गया था जैसे मतलब गुम हो जाता है, कुछ और न दिखाई दे रहा था, न कुछ और समझ में आ रहा था। तो 2-3 दिनों बाद जब थोड़ा सा पेन में इनको आराम मिला, तब जाके मैंने घर पे बताया सब लोग, तो बस तभी से आना जाना शुरू हो रहा है, और बस ऐसे ही एक दूसरे से फिर पता चलता जाता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है उनका। तो जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है वैसे वैसे आ रहे हैं, तो कुछ तो आके जैसे मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो तो आके मतलब चले जाते हैं, और जो अपना मेहमान हैं जो मतलब घर के लोग हैं वो अपना जैसे रुक जाते हैं, रोक लेते हैं हम लोग उनको, तो बस अभी आए हुए हैं तो उन्हीं की खाने की तैयारी कर रही हूँ बस मैं। मतलब अपना होता है तो देखो आप कभी भी बना लो, किसी समय भी बना लो, लेकिन जब घर से आए हुए हैं तो उन्हीं के हिसाब से फिर तैयारी करनी होती है मुझे, उन्हीं के हिसाब से बनाना होता है। तो बस मैं टाइम से ही लगी हूँ, और यहाँ मैंने दाल छौंकने की कर दी है तैयारी शुरू, और इसमें मैंने उबाले थे भुट्टे, तो भुट्टे भी उबल चुके थे, पहले भुट्टे उबाले हैं उसके बाद में मैंने बनाई है दाल। भुट्टे क्या मतलब लेके आए थे तो वही रखे हुए थे, इसलिए मैंने मतलब आधे उबाल लिए हैं उसमें से और आधे रख दिए हैं, मन तो है नहीं हो रहा था लेकिन जब उबाल दिए तो खा ही लेंगे सब, उबले हुए रखे रहेंगे। तो बस दाल मैंने छौंक दी है, बन चुकी है दाल, और बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं खाना तैयार, क्योंकि मुझे को बनाना है, मुझे खिलाना है सबको, और हस्बैंड को भी खिलाना है, फिर उनकी दवाई गोली का भी ध्यान रखना होता है टाइम से, और फिर बच्चों को टाइम से सुलाना भी होता है कि स्कूल जाना है, सुबह टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठेंगे सुबह, वरना परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो बस मैं जल्दी से लगा दिया खाना, और जल्दी से कर दूँगी रोटियाँ सेकनी शुरू, और साथ के साथ खिलाती जाऊँगी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके खिलाती जाऊँगी जैसे जैसे रोटी बनाती जाऊँगी। और किसी को चावल खाने होते हैं, जैसे बाबू छोटा तो रोटी खाती नहीं है, फिर जब चावल बन जाते हैं, छोटा तो बिल्कुल नहीं खाती है, बाबू तो बल्कि कह भी देती है आधी रोटी या एक रोटी के लिए। तो बस जिसको जो खाना होगा बस मैं देती जाऊंगी, जो अपना जैसे पसंद करेंगे। तो बस ऐसे ही हो रहा है आजकल, और इसी चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात की। और आज मैंने बना ही लिए कि ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ कि मतलब हस्बैंड की तबीयत के बारे में, और अपना कि क्या चल रहा है कि मतलब बस अपना वही डेली रूटीन वगैरह, तो इसलिए आज मैंने वीडियो बनाई थी। और अब आगे मैं हो सकता है कि अब लाती रहूँ बराबर में वीडियो, अगर ज़्यादा व्यस्त नहीं रही मैं, वरना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और मैं सोचती हूँ कि वीडियो ना बना के मैं उनको टाइम दूँ, जो घर के मतलब फैमिली से आ रहे हैं तो उनको टाइम दिया जाए, क्योंकि हस्बैंड तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ी देर ही बात करते हैं, दिक्कत होने लगती है फिर उनको, मतलब पेन वगैरह होता है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा बोलने नहीं देती हूँ उन्हें, थोड़ी देर ही बात करते हैं, तो बस इसीलिए फिर बाकी मुझे बैठना होता है साथ में, पूरा मतलब पूरा टाइम देना होता है। और देखो कोई अगर इतनी दूर से आता है मतलब तो अच्छा नहीं लगता, आप अपनी वीडियो में या अपने काम में लगे रहो, तो बस मैं जल्दी से काम निपटा के फिर अपना टाइम निकाल लेते हैं उनके साथ बैठने के लिए। और बाबू छोटा भी छोटी छोटी हेल्प करा देती हैं मेरी, खाना वगैरह दिलवा देती हैं, जैसे मैं लगा के दे देती हूँ बाद में पानी वगैरह या रोटी वगैरह, इतनी हेल्प करा देती हैं, दिलवा देती हैं, तो बस मैं जल्दी से खाना खिला देती हूँ। और आ जाइए आप भी फ्रेंड्स, मैंने बनाई है अरहर की दाल और रोटी और चावल, तो आ जाइए खा लीजिए आप भी। बस सारा दिन इसी तरह भाग दौड़ में निकल जाता है जैसे आप देख रहे होंगे, क्योंकि सारा दिन पहले तो कभी चाय का, कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई जा रहे हैं, बस ऐसे ही हो जाता है। और फिर इस समय अब मैं रोटियां सेक रही हूँ, आप देख रहे होंगे बीच बीच में कभी किसी को हरी मिर्च चाहिए, कभी नींबू चाहिए, कभी नमक चाहिए, और क्योंकि पानी वगैरह तो मैं बच्चों से दिलवा देती हूँ, या रोटी जैसे सेक रही हूँ तो बच्चों से दिलवा देती हूँ, लेकिन अब जैसे गर्म होती है कई बार, तो मैं बच्चों से मतलब सोचती हूँ कि गर्म ना लग जाए कहीं हाथ वातों में, तो और फिर जल्दी का रहता है, तो मैं बच्चों का क्या रहता है कि मतलब ऐसे ही काम करा सकते हो आप, जैसे सामान वगैरह समेटवा सकते हो या पानी वगैरह पकड़ा सकते हो, और ये जैसे किसी को नींबू काट के देना है, नमक देना, कभी किसी को हरी मिर्च देना,
कभी अचार देना, मतलब ऐसे लगा रहता है तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, बस पूछो नहीं। उधर मतलब हस्बैंड का भी मुझे मतलब ये होता है कि कई बार कि मतलब ये सोचती हूँ कि कहीं मतलब मैं लापरवाही ना कर दूँ मतलब किसी तरीके से, मतलब क्योंकि पूरा ध्यान नहीं रख पाती हूँ फिर मैं। जब कामों में आप लगे रहोगे, इतना सारा दिन काम में लगे रहोगे, तो बल्कि बीच बीच में मैं पूछती रहती हूँ उनसे जाके, और बच्चों को मैं बोलती हूँ कि पापा के मतलब आसपास ही रहना, ताकि अगर उनको उठना है बैठना है तो ताकि मुझे आके बता सकें, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ तो वो दे नहीं सकते कि इतनी आवाज़ दे देंगे इतनी तेज़ से, अगर मैं किचन में हूँ वो अंदर हैं तो आवाज़ नहीं आ सकती ऐसे। तो बस बाबू, ज़्यादातर बाबू और छोटा को मैं वहीं बोलती हूँ कि वहीं रहना रूम में ही। तो बस ऐसे ही हो रहा है आजकल, मेरा सारा दिन ऐसे ही चला जाता है, और रात को करीब 11:30 बज जाते हैं सोते में, और सुबह उठना होता है मुझे 5 बजे। तो अभी बाबू छोटा भी घूम रही है, अभी बाबू छोटा को मैंने खाना नहीं खिलाया है, तो यहाँ देखिए बार बार मतलब कुछ ना कुछ बीच में आ ही रहा है कि कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है कि, और फिर बाबू छोटा बोल भी रही हैं बार बार आके कि खाना दे दो, और फिर मतलब सोने के लिए भी बोल रही हैं टाइम से सो जाएं। तो बस मैं बोल रही हूँ कि बस मैं खिला दूँ खाना, बड़े बड़े लोगों को खिला दूँ पहले, फिर मैं आपको दे दूँगी। और बाकी बस यही है आजकल। और हस्बैंड का फिर मुझे दवाई वगैरह का बीच बीच में ध्यान देना होता है, दवाई का मतलब टाइम से टाइम दवाई देती रहूँ, मुझे ये लगता है कि बस दवाई लेट ना हो जाए। और उनका परहेज का खाना भी बनाती हूँ, रोटी का मतलब अभी मना है देना, रोटी नहीं दे रही हूँ मैं उनको। रोटी मतलब उनको हार्ड चीज़ मना कर रखी है, जो कैड़ी चीज़ होती है कब चबाने के लिए मना किया हुआ है, कैड़ी चीज़ और या ठंडी चीज़ है जैसे, ये चीज़ें मना की हुई हैं। तो रोटी भी नहीं दे रही हूँ मैं उनको रोटी भी, क्योंकि थोड़ी चबाने में, जब रोटी चबाएंगे तो जैसे मतलब थोड़ा सा जोर तो पड़ता ही है फिर पेट पे मतलब पसली वगैरह पे, तो मना किया हुआ है डॉक्टर ने। तो मैं उनको जो व्रत वाले चावल आते हैं आप जानते होंगे, समा के चावल जो होते हैं, मैं उसकी खिचड़ी बना देती हूँ, तो मतलब पतली सी करके बना देती हूँ, ताकि वो ऐसे ही बस मुँह में रखें और सटक जाएँ, मतलब पतली सी करके ऐसे पका के अच्छे से, और ज़्यादा मिर्च वगैरह ना डाल के, ज़्यादा ऑयल ना डाल के, इस तरह ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो वो मतलब खा लें। और ऐसी चीज़ें बताई हूँ जैसे दूध दो उनको, पनीर वगैरह दो, और मतलब हल्का खाना दो, और पपीता वगैरह दो, जैसे फ्रूट्स वगैरह, ऐसा ठंडा ना हो ऐसा फ्रूट्स दो, ऐसे मतलब फ्रूट्स वगैरह दो उनको जो ठंडे ना हो, नुकसान ना करें। तो बस ऐसी उन सब चीज़ों का ही ध्यान रखती हूँ मैं। केले वगैरह दो जैसे तो मैं ले आती हूँ दिन में, जो उनको बोल रखा है वो मैं अपना थोड़ा थोड़ी चीज़ें ले आती हूँ। तो बस खाना सबका हो चुका है, और मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने अपने ढक के रख दिए हैं रोटियाँ। तो आजकल तो एक तो मन भी नहीं करता है मेरा, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, ना सुबह में ना रात को, और ऐसे नहीं है कि कुछ और चीज़ खा रही हूँ, बस मन सा ही नहीं होता है। और अब मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले, किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी। लेकिन तब तक क्या होगा कि फिर बाद में और जो थोड़ी बहुत भी भूख होती है और मन होता है तो वो भी मतलब मर जाती है भूख भी, एक तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, दूसरा फिर मैं अब बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी तो फिर बच्चे को भी सुलाना है मुझे, फिर हस्बैंड को दवाई देके मतलब हस्बैंड को भी सुलाना है, टाइम से वो कर देती हूँ ताकि उनको 2-4 घंटे का आराम मिल जाए। वैसे नींद तो उनको आती नहीं है, क्योंकि लेटे लेटे कहते हैं कि मेरे मतलब थक जाता हूँ, कमर दुखने लगती है लेटे लेटे, और करवट बदल नहीं सकते हैं, एक ही करवट से लेटे रहते हैं, तो ये भी तो दिक्कत होती है उनको, एक करवट से कहाँ नींद आएगी, वो ऐसी परेशान हो जाते हैं अगर ज़रा सी देर कोई भी लेट जाए तो। तो बस मैं जल्दी से कर लेती हूँ बर्तन साफ़। बर्तनों का ढेर आप देख रहे होंगे कि पूरा स्टैंड जो है वो पूरा भर चुका है, आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे मैं तो सारे दिन ही बर्तन साफ़ नहीं किए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कम से कम दिन भर में ऐसे इस तरह 4-5 बार साफ़ होते होंगे, जो इस तरह टोकरा भर जाता होगा पूरा, ये हाल हो रहा है बर्तनों का भी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर इकट्ठे हो जाते हैं, बस रात को तो मिलता है आराम कि अब जैसे इस समय साफ़ कर दिए मैंने, तो बस अब मैं खाना खाऊंगी। बस वो आप देख रहे होंगे प्लेट के नीचे मैंने ढका हुआ है खाना, अपनी दाल रखी हुई है एक कटोरी में करके, और एक कटोरी में करके मैंने रोटियां रख दी हैं, तो वो ढक के रख दिया है तो क्योंकि बाद में खाने के लिए। और मैं कर दूँगी अब गैस भी साफ़ कर दूँगी, स्लिप साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसका नंबर नहीं आता मतलब स्लिप वगैरह साफ़ करने का नंबर दिन भर में नहीं आता है, अब साफ़ हो जाएगा। और दोपहर में मतलब मैं लंच वगैरह बनाती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह, तब साफ़ हो जाती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, फिर इतना भाग दौड़ इतनी हो जाती है, और फिर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बनता रहता है। और बाबू छोटा भी सोई नहीं है, बार बार आई नहीं है इधर, तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी, और बाबू को दवाई वगैरह भी दूंगी, क्योंकि अभी बाबू को खांसी है, अभी भी जुकाम में तो आराम हो गया लेकिन खांसी है अभी,
वो रात में दवाई वगैरह देती हूँ और छोटा को देती हूँ, कि छोटा को आजकल भूख वूख थोड़ा कम लग रही है, तो छोटा को मुझे लीवर की दवाई देनी होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो यहाँ से ख़त्म करने के बाद भी छोटे मोटे काम रह जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। पानी रखना है, अंदर उठा के रखना होता है, ये अगर कि मतलब सबके पास पानी रखना है, कि अगर किसी को रात को प्यास लगे तो सबके पास रखना होता है, कोई मतलब रात को ढूंढने ना परेशान ना हो, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को किसी भी तरीके की। तो बस यहाँ स्लिप वगैरह भी साफ़ हो गई है मेरी अच्छे से, दूध अभी रखा हुआ है बाहर ही रख दिया है मैंने, जब ठंडा हो जाएगा तब मैं फ्रिज में रखूँगी, या तो रेत मतलब लेट रात को जैसे सोऊँगी तो अगर तब ठंडा हो गया तो, क्योंकि आजकल गर्मी है लेट मतलब ठंडा होता है। तो बस यहाँ किचन वगैरह अच्छे से साफ़ हो चुकी है। को मैं झाड़ू वगैरह या पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, अगर पानी गिर जाता है किचन में तो मैं पैर से ऐसे ही पोछे से बस पोंछ देती हूँ, पानी को ही जो जहाँ जहाँ पड़ा होता है बस उसी को पोंछ देती हूँ ताकि सूख जाए। और बस अब मैं करूँगी ब्लॉग का यहीं एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।